एफआईएच हॉकी प्रो लीग भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला राउरकेला में शाम 7 बजे होगा। दिल्ली में महिला आरक्षण विधेयक पर गोल में सम्मेलन करेगी बीआरएस नेता के कविता। 3 साल बाद विदेशों के लिए खुला चीन, आज से जारी होने लगेंगे सभी तरह के वीजा। नौकरी के बदले जमीन घोटाला, दिल्ली की अदालत में लालू राबड़ी व अन्य की पेशी संभव। इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने मंगलवार को अपने समर्थकों को ऐलान किया कि वह बाहर निकले। इमरान ने कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है। पुलिस ने पीटीआई समर्थकों पर पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप बैली का निधन, अंतिम संस्कार आज। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रताप बैली के पार्थिव शरीर को बुधवार सुबह 9 बजे उनके गुड़गांव के सेक्टर 55 स्थित मकान नंबर 246 पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और दोपहर 2 बजे यहां से दिल्ली लोधी स्थित शमशान घाट पर ले जाया जाएगा, जहां 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। का 8वां सबसे प्रदूषित देश, स्विस संस्था की मंगलवार को आई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश माना गया है। साल 2021 में भारत 5वें स्थान पर था। सावधान, महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में दुगने हुए केस, 2 लोगों की गई जान। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अडानी समूह के मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 270 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में कल 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 47 फीट पर फंसे लोकेश नाम के लड़के को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है।